वेलकम टू द होम क्लासेस ऑफ DSEJ, अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू। माय नेम इज गगन कुमार, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल रायपुरा, जोन नौशहरा, डिस्ट्रिक्ट रजौरी। टुडे माय टॉपिक इज फ्रॉम 8th क्लास साइंस, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। Let us learn about pollution of air, its causes, effects and prevention of air pollution. Water pollution, its causes, effects and prevention of water pollution. Potable water and water purification. Air. Before going to air pollution, we see pollution. Pollution is any undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of environment. It's called pollution. And pollutants, any substance which pollute is called pollutant. Air is a mixture of gases. It is colorless. That's why we cannot see air. Air ko hum dekh nahi sakte because it is colorless, odorless. Iski koi smell bhi nahi hoti. It consists of gases like nitrogen, which is 78%, and oxygen 21%. Other gases like methane, argon, carbon dioxide, which are less than 1%. And there are also some harmful gases in very little amount, that is carbon monoxide and sulfur dioxide in the air. And pollution of air can be result from natural causes and human activities. Firstly, we see some natural causes. Natural causes are minimal, but and their effects are not long lasting. Natural causes minimal होते हैं और उनका effect जो है वो उतना गहरा नहीं होता है और long lasting नहीं होता है. उसमें natural कासिस में हम देखेंगे कि वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, फॉरेस्ट फायर होती है, सैंडस्टॉर्म होता है. तो ये सम नेचुरल कासिस हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन. रिलीज स्मोक, ऐश, डस्ट पार्टिकल्स, एसिडिक गैसेस इन द नेचर, इन द एनवायरमेंट, विच पोल्यूट द एनवायरमेंट, बट देयर कासिस आर मिनिमल एंड इफेक्ट्स आर not long lasting. There are some other causes of pollution like human activities. Yes, combustion of fuel, exhaust from factories, exhaust from vehicles, mining operations, and we see use of aerosols. तो फर्स्टली वी सी कंबस्टन ऑफ फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, डीजल. व्हेन वी यूज सच काइंड ऑफ फ्यूल्स इन इंडस्ट्रीज आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस, दे कॉज पोल्यूशन बिकॉज ऑन देयर बर्निंग, जब हम इन्हें जलाते हैं, दे प्रोड्यूस स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, which are poisonous gases, जो कि poisonous gases होती हैं. और जब ये air में मिलती हैं तो air की quality को deteriorate करती हैं और living organisms as well as non-living organism पे अपना effect छोड़ती हैं. Next is exhaust from factories and industries. Exhaust from factories and industries emit large amount of poisonous gases or harmful chemicals, we can say, thereby deteriorating the quality.
क्वालिटी ऑफ एयर। तो एग्जॉस्ट हम देखें फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज से बहुत सारा फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये उनकी फ्यूल नीड्स होती हैं। तो ये फ्यूल नीड्स जब इन ऐसे फ्यूल से लेते हैं जो कि कार्बन रिच होते हैं, तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ऑन बर्निंग, जब वो जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, विच इज हार्मफुल गैस, आर वी कैन से ग्रीन हाउस गैस, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट, देन ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम भी होती है, वो हम नेक्स्ट डिटेल में देखेंगे। तो ये था एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, ये एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जो अपना फ्यूल यूज किया जाता है, वो फ्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो जो फ्यूल यूज किया जाता है वो जैसे डीजल, पेट्रोल, कोल, वुड, तो ये ऐसे फ्यूल्स बर्निंग के ऊपर जब इनको बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लार्ज अमाउंट में रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लार्ज अमाउंट में एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। तो व्हीकल्स अगर देखा जाए, मोस्टली जो हमारी पहले व्हीकल्स होती थी वो डीजल पेट्रोल रन होती थी, अब तो गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स थे जिसकी वजह से आज एलपीजी या सीएनजी जो क्लीन फ्यूल्स माने जाते हैं उन पे शिफ्ट हो गए। बट आज भी देखा जाए तो मैक्सिमम व्हीकल्स जो हैं वो पेट्रोल और डीजल पे रन करती हैं, और जब ये पेट्रोल और डीजल पे रन करेंगी तो पेट्रोल और डीजल के जलने से वो काफी सारा स्मोक और हम एसिडिक गैसेस और लिक्विड पार्टिकल्स जो है एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे। तो ये एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स जो है ये भी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ एयर। देन माइनिंग ऑपरेशन, इफ वी सी माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन में बहुत सारे केमिकल्स, मर्करी वेपर्स, ऐश, डस्ट पार्टिकल्स, ये जो है माइनिंग प्रोसेस में, जो माइनिंग प्रोसेस होती है जो जमीन को खोद के उसमें से कुछ मिनरल्स निकाले जाते हैं, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो उनको निकालते समय बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ये सारा एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट में गैस के रूप में, डस्ट पार्टिकल्स के रूप में उसमें चला जाता है और उसे पोल्यूट करता है, और ये पॉइजनस गैसेस भी रिलीज करता है, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करता है जो कि लिविंग बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं। यूज ऑफ एरोसोल्स, एरोसोल्स स्प्रे, जैसे हम देखते हैं अपना डिओडोरेंट वगैरह यूज करते हैं, या हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं लाइक एयर कंडीशनर, उसमें ये केमिकल्स यूज होते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ये ओजोन को डिप्लीट करने का काम करते हैं। ओजोन लेयर क्या होती है ये अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर विच प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन एंड वार्म्स द एटमॉस्फेयर, ट्रैप्स द सन रेडिएशंस, वो जो सन की कुछ रेडिएशंस होती हैं उनको ट्रैप करती है, और जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं उनको बैक करती हैं। तो ये ओजोन लेयर का भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट इज कॉजेस लाइक पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज, इसी पिक्चर हम इसकी देख लेंगे कि पोल्यूशन कैसे होता है फैक्ट्रीज से, तो ये आपकी बुक में भी दिया होगा और हम यहाँ पे भी दिखा रहे हैं आपको कि पोल्यूशन कैसे होता है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से। देन है पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स, SPMS इसको कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो
कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्स्टली कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स. तो इनकम्प्लीट कंबशन जब फ्यूल की होती है तब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है. इनकम्प्लीट कंबशन, कंबशन कंप्लीट नहीं होती है तो उसमें ये निकलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, वुड. तो ये पॉइजनस गैसेस होती हैं और जब इनहेल हो जाएं, अगर हम इन्हें सांस के द्वारा अंदर ले लें तो कॉजिंग डिजीनेस, हमें डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड इवन डेथ, और कई बार डेथ भी हो जाती है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि जैसे गांव में या कहीं जो अंगीठी जला के रखते हैं घर में, सर्दियों के समय कोयले की अंगीठी जला के रखते हैं, तो कई बार लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, चक्कर आता है, गिर जाते हैं, कई बार डेथ भी हो जाती है. तो वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जब होता है, जैसे कोल वगैरह हो गया, वुड वगैरह हो गया, तो इसके जो धुआं निकलता है वो हार्मफुल होता है हमारी सेहत के लिए. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक फायरवुड, पेट्रोल, डीजल, कोल. तो इनके बर्निंग पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और एक्सेस अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में तो एक लेयर बना देती है, एक जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के साथ ही जाके चिपक जाती है, वहां पे चले जाती है और सन रेडिएशंस जो है, सन रेडिएशंस को ट्रैप करने का काम करती है. वो ट्रैप द हीट रेडिएशंस, जो हीट रेडिएशंस जो है सन की हीट रेडिएशंस है उनको ट्रैप कर लेती है. और ट्रैप करने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी हम डिटेल में आगे देखेंगे. नेक्स्ट देन है सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये कंबशन ऑफ कोल, ऑयल, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, जो बड़े पावर प्लांट्स होते हैं, या हम पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज देखते हैं, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह देखते हैं, वहां पे लार्ज स्केल में ये कोल, ऑयल वगैरह यूज किया जाता है. तो वहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और अगर हम इसको इनहेल कर लें तो हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, एस्थमा, आईज, नोज और थ्रोट में इरिटेशंस होती हैं. ह्यूमन बींग्स के लिए ये खतरनाक होता है. सस्पेंडर पार्टिकुलेट मैटर्स, SPMS, जब कंबशन होती है ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इन पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ये भी तब रिलीज होता है जब फॉसिल फ्यूल्स जो हैं पावर प्लांट्स और ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं उनमें जब ये फ्यूल यूज किया जाता है तो वहां पे SPMS निकलता है. ये सूट या फ्लाई ऐश लिड पार्टिकल्स के रूप में होते हैं और जब हम इनको इनहेल कर लें तो हमें लंग्स डिजीज या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. देन है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये बेसिकली जो हम घर में डिओडोरेंट वगैरह या होम अप्लायंसेस होते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी कूलर्स वगैरह, एसीस वगैरह होते हैं, तो उनमें जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स केमिकल यूज किए जाते हैं और ये केमिकल्स अगर रिलीज हो जाएं एटमॉस्फेयर में, जब रिलीज होते हैं तो ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं. ओजोन लेयर जो प्रोटेक्टिंग लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, उसको डिप्लीट करते हैं. तो इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो अगर हम देखें मोस्टली तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग, पहले हमने ग्रीन हाउस का देखा कि ग्रीन हाउस क्या होता है, कि ये हमारे लिए यूजफुल होता है कि ग्रीन हाउस से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, ऐसा टेम्परेचर रहता है कि जो सरवाइव करने लायक हो, जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है, बट अगर वो
ज्यादा ट्रैप करना स्टार्ट कर दे, अगर उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, मीथेन बढ़ जाए, वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अननेचुरल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस जब इंक्रीज हो जाती है तो उसका एवरेज टेम्परेचर जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है, और एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होना मीन वो हमारे लिए प्रॉब्लम तब बनता है जब इसके साथ राइज इन सी लेवल या रिड्यूस इन रेनफॉल, एसिड रेन, ऐसी प्रॉब्लम बनती है। मतलब इसी से देखा जाए कि राइज इन सी लेवल होता है कैसे, ग्लोबल वार्मिंग जब हुई तो क्या होगा कि जो पोलर आइस वगैरह है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो पोल्स पे आइस है, जो ग्लेशियर हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, और जब वो मेल्ट होंगे तो पानी जो है वो कहाँ जाएगा, पानी सीधा समुन्द्र में चला जाएगा, तो एक बाढ़ भी आएगी और समुन्द्र का जो लेवल है ना वो बढ़ जाएगा, सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। वो सी लेवल इंक्रीज होने से ये होगा कि जो आसपास के जो कोस्टल एरियाज हम कहते हैं ना, कोस्टल एरियाज सबमर्ज हो जाएंगे, पानी में ही डूब जाएंगे, और हमारी लाइफ प्रॉपर्टी सबका लॉस होगा। तो राइज इन सी लेवल जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की ही आगे प्रॉब्लम बनती है हमें। ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो राइज इन सी लेवल भी होता है और रिड्यूस्ड रेनफॉल हो जाती है। रिड्यूस्ड रेनफॉल मीन कि जो रेनफॉल होती थी उसमें भी कमी आ जाएगी। कमी कैसे आएगी, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो इंक्रीज हो जाएगा, वेपोरेशन तो होगी बट उसकी कंडेंसेशन नहीं होगी, वो ठंडा होगा तो नीचे आएगा ना। तो जैसे रेन रेनफॉल होती है, हम कहते हैं वाटर साइकिल देखते हैं तो उसमें एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट होके ऊपर जाके कंडेंस होता है, कंडेंस होके फिर उसकी प्रेसिपिटेशन होती है, नीचे आता है, नीचे आता है, लेकिन वो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी, वो टेम्परेचर के बढ़ने से ना ये प्रॉब्लम कंडेंसेशन की प्रॉब्लम सामने आएगी। एसिड रेन भी होता है और स्मग भी होता है। एसिड रेन में अगर हम देखें तो एसिड रेन से पहले हम देख लेते हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना उसको हम पिक्चर्स में भी देख लेते हैं, पिक्चर उसकी कैसे होगी कि अर्थ है, अर्थ में आप देख रहे हो कि सन रेडिएशंस आती हैं, सन रेडिएशंस जब सूर्य से आती हैं तो हमने पढ़ा ना जैसे ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर क्या करती है, जो हार्मफुल रेडिएशंस है ना उसके अल्ट्रावायलेट रेस हैं उनको बैक कर देती हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एरो लगा हुआ है, बैक कर देती हैं, और कुछ रेडिएशंस जो सन की आती हैं वो ऑब्जर्व हो जाती हैं, अर्थ उसे ऑब्जर्व कर लेती है, प्लानिट अर्थ जो है वो ऑब्जर्व कर लेती है। अब प्लानिट अर्थ ऑब्जर्व तो करती है और कुछ एक रेडिएशन रिफ्लेक्ट होती हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होके बैक जाने लगती हैं तो उसको ट्रैप कर लिया जाता है, उसको ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो ट्रैप कर लेती हैं, ओजोन लेयर जो है वो उसको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करने से ये बेनिफिट होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अगर ये ट्रैपिंग ज्यादा हो जाए तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है, फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा बन सकती है। एसिड रेन का हम देख रहे हैं, तो एसिड रेन का मतलब होता है कि द रेन दैट कॉन्टेन्स डिजॉल्व एसिड्स इन इट कॉल्ड एसिड रेन। तो एस रेन जिसमें एसिड डिजॉल्व हो, इसका भी हम पिक्चर में ही देख लेंगे कि कैसे होता है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसके, बहुत हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जैसे साइल साइल में जो एसिडिटी है उसका लेवल को इंक्रीज कर देता है, कॉर्प्स को डैमेज कर देता है, जो हमारी कॉर्प्स वगैरह होती हैं उनको डैमेज कर देता है, फ्रेस्ट वगैरह होते हैं फ्रेस्ट को भी काफी डैमेज पहुंचता है इससे, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी के जो जानवर और
प्लांट्स हैं उनको भी काफी नुकसान होता है, बिल्डिंग मटेरियल का हम ताजमहल देखेंगे, ताजमहल की केस स्टडी में हम देखेंगे कि कैसे बिल्डिंग मटेरियल को भी इरोड करता है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको इरोड करता है, उनकी कोरोजन होती है, स्किन डिसऑर्डर होते हैं ह्यूमन बींग्स में, तो ये स्किन डिसऑर्डर्स भी इसी की वजह से होते हैं। ये हम पिक्चर में देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो एसिड रेन आप देख रहे हो यहाँ पे, एसिडिक गैसेस हैं, एसिडिक गैसेस जो हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में। वो कैसे रिलीज होती हैं, हमने देखा कि जैसे नेचुरल काजेज भी होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज भी होते हैं, बहुत सारी हमने स्टडी की, तो उसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो निकल के ये जा रही हैं जैसे हवा में ऊपर जाती हैं और ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी हाइट पकड़ के, तो कौन लेके जाता है, इसे विंड लेके जाती है, देन ये डिजॉल्व हो जाती है पानी में। पानी में जब डिजॉल्व हो जाती है तो वो एसिड रेन बनाती है, जब ये कंडेंस होकर वापस नीचे आती है तो जमीन में जितने भी प्लांट्स एनिमल्स वगैरह हैं, रिवर्स हैं, सबको पोल्यूट करती हैं, उनको डैमेज पहुंचाती हैं, ये एसिड रेन है। देन है स्मग, स्मग इज द मिस्टी हेज, स्मग मिस्टी हेज है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स एंड वेरियस गैसेस विद वाटर वेपर्स एंड डस्ट, वाटर वेपर्स डस्ट के साथ मिलकर ये कुछ गैसेस स्मग बनाती हैं। स्मग भी हमारे लिए खतरनाक होता है, इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जैसे इट हैम्पर्स विजिबिलिटी को कम कर देता है, डिटेरोरेट द एनवायरमेंट को डिटेरोरेट करता है, ट्रैफिक जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जैसे प्लेन्स ट्रेन्स या कोई भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक को भी मूवमेंट करने में काफ़ी परेशानी आती है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, लंग्स डिजीजेस हो सकती हैं और इरिटेशन होती है हमारी आईज नोज थ्रोट में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे स्मग के बाद केस स्टडी द ताजमहल। ताजमहल जो है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है और इट होल्ड्स द प्रिविलेज ऑफ अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अगर इसमें देखा जाए तो बहुत ज्यादा आते हैं। बट सॉरी टू से कि जो इसकी ब्यूटी थी ना कुछ साल पहले, जैसे 20-30 साल पहले देखा जाए तो इसकी ब्यूटी में काफी डाउनफॉल आ रहा है, जैसे इसकी मार्बल था, मार्बल की चमक थी वो लॉस हो रही है, उसकी वाइटनेस या स्ट्रेंथ हम कहते हैं जो लॉस हो रही है। कॉसेस क्या है, क्योंकि इसके अराउंड काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज और रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज, ब्रिक किलन, ग्लास फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो जिनसे ऑक्साइड निकलता है एटमॉस्फेयर में, ये पोल्यूटेंट्स होते हैं और एसिड रेन करते हैं। एसिड रेन अभी हमने देखा, एसिड रेन, तो एसिड रेन से क्या होता है कि जो ताजमहल के मार्बल है वो करोड हो रहा है और इसको मार्बल कैंसर भी कहा जाता है, मार्बल कैंसर, तो ये एक मार्बल कैंसर की तरह है। तो कैसे हम इससे बचें, हाउ टू सेव इट आर स्टेप टेकन टू सेव इट, तो एक तो इंडस्ट्रीज वगैरह को रीलोकेट कर दें, गवर्नमेंट के काफी इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है, और जैसे व्हीकल्स हैं जो बैटरी रन व्हीकल्स हैं उन्हीं को लो किया जाए, या जो एलपीजी वगैरह सीएनजी पे चलते हैं वो उन्हीं को लो किया जाए, तो ऐसा गवर्नमेंट ने भी किया, और ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, तो ये हम ताजमहल के लिए कर सकते हैं, विच इज द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इनकम फॉर द नेशन। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, अब एयर पोल्यूशन को हम सब मिलके कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे बच सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्राइवेट व्हीकल्स जैसे होती हैं हमारी, उनको छोड़ के हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा यूज करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम प्रेफर करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही जाएं, और ड्राइव एट मॉडरेट स्पीड, अगर आप ड्राइव करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो उसको एक मॉडरेट स्पीड पे ही चलाएं। स्विच टू इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक सीएनजी, एलपीजी, तो सीएनजी एलपीजी वगैरह पे हम शिफ्ट हो जाएं, जो हम पेट्रोल डीजल वगैरह की गाड़ियां चलाते हैं वो हम कम कर दें। अवॉइड बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स वगैरह हम नहीं चलाएं,
जैसे दिवाली या किसी भी ओकेजन पे हम क्रैकर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ये ना करें। प्रमोट यूज ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो रिसाइकलेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं रिसाइकल कर सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं वैसे इस्तेमाल करने चाहिए। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह को रिलोकेट करके जो रेजिडेंशियल एरिया है उनसे बाहर कहीं शिफ्ट करना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज, हमें ट्रीज लगाने चाहिए और सेव द एग्जिस्टिंग वन जो है उनको बचाना चाहिए। रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट के होते हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। ये है प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। व्हेन वाटर इज कंटेमिनेटेड विद अनवांटेड सब्सटेंसेस इट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जैसे एयर एयर पोल्यूशन का हमने देखा, तो एयर कैसे पोल्यूट होती है, जब उसमें कुछ अनवांटेड आ जाता है। और इसी तरीके से वाटर भी तब पोल्यूट होता है जब उसमें कुछ अनवांटेड आ जाता है। तो अनवांटेड कैसे, जैसे डोमेस्टिक सीवेज है। डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है हमारी, नहाना धोना, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, तो इनसे जो पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, वो नदी नाले में चला जाता है और उसको पोल्यूट करता है। उसमें जो जीव हैं, उसमें जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स, उनको नुकसान पहुंचाता है। और इससे जब हम पानी पी लेते हैं तो हमें भी बीमार करता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं, तो इंडस्ट्रीज से भी हमने देखा कि बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ऐश, फ्लाई ऐश, ये एटमॉस्फेयर में जाती है और एसिड रेन भी होती है। और यही पानी कहाँ चला जाता है, नदी नाले में चला जाता है। और इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, अनट्रीटेड वेस्ट, वो भी पानी में चला जाता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है। फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स केमिकल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो ये एक्सेस जब यूज किए जाएं, या जो हम कहते हैं कि केमिकल्स जो हम यूज करते हैं, ये पानी के साथ मिलके वाटर बॉडीज में चले, मतलब जैसे रेन होती है, रेन अगर हमने पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले हुए हैं तो वो उसके साथ पानी की, उस बारिश के पानी के साथ सीधा नदी नाले में, समुंदर तक पहुंच जाते हैं और वहां पे एक्वेटिक लाइफ को खतरा पहुंचता है, उसके लिए खतरनाक बन जाते हैं। ऑयल स्लिक्स हम देखते हैं। ऑयल स्लिक्स क्या होते हैं कि जैसे समुंदर में चलने वाले जहाज, शिप्स वगैरह, तो उनमें कई बार ना ऑयल लीक होता है पानी में। ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सी वी सी सम टाइम। तो कि ऐसा हम देखते हैं कई बार कि वो समुंदर में तेल तेल इतना, और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, किसी एक्सीडेंट के कारण ऑयल कहीं पे लीक हो जाए, तो एक वो लेयर बना देता है। और वो लेयर क्या करती है, वो ऑक्सीजन को डिजॉल्व नहीं होने देती पानी में, जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है उसको डिजॉल्व नहीं होने देती पानी में, और इससे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये खतरा बनता है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो इफेक्ट्स हमने देखा कि जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ है, इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। क्रॉप याइल्ड जो है हमारी वो कम हो जाती है, यानी फसल जो हमारी पहले बहुत ज्यादा होती थी वो कम हो जाती है। कंटेमिनेटेड वाटर जब हम कंज्यूम करते हैं, पहला नंबर तो ये अनफिट होता है और कुछ लोग इसे कंज्यूम भी कर लेते हैं, तो उससे वाटरबोन डिजीजेज होती हैं। और ये सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। केस स्टडी अब हम गंगा हम देखते हैं। गंगा एक्शन प्लान था गवर्नमेंट का, तो 1985 GAP, गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा भी एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, टूरिस्ट आते हैं, बट WWF ने इसे एंडेंजर्ड रिवर, 10 जो टॉप 10 एंडेंजर्ड रिवर है उसमें रखा है WWF ने। तो कॉजेज क्या है कि जो सराउंडिंग इसके, या यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ से ये रिवर निकलता है, लोग इसमें बहुत सारा वेस्ट, गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज,
बहुत बहुत गंदगी इसमें डाल देते हैं रिवर में, और इफेक्ट क्या होता है कि कहीं कहीं पे ना बिल्कुल ये डेड हो गई है, वहां पे पानी की मूवमेंट ही नहीं नजर आती है हमें। तो गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए इसको, जो पोल्यूशन है पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए उन्होंने डाइवर्शन कर दी, जो है डोमेस्टिक वेस्टेज निकलता है या इंडस्ट्रियल वेस्टेज निकलता है उसकी डाइवर्शन या उसका ट्रीटमेंट है। जो ट्रीटमेंट क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसका ट्रीट करना, उसको मतलब कि उसमें जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसको निकालना, और मॉनिटर किया जो डेड बॉडीज वगैरह रिवर में डालते हैं उनको भी देखा उन, और उनमें अवेयरनेस भी डाली कि ये हमें ऐसा नहीं करना है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ रिवर, तो जो बायोडाइवर्सिटी थी उसको भी बचाया। तो बायोफर्टिलाइजर के लिए जो है किसानों को भी बोला गया, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको कहा गया कि वो बायोफर्टिलाइजर पे ज़्यादा ध्यान दें, हर्बिसाइड्स जो हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम किया जाए। तो ये गंगा एक्शन प्लान में गवर्नमेंट ने किया। देन हमारा आता है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो पानी फिट होता है यानी जो पीने लायक होता है उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, ऑर्डरलेस। यानी ये ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। इट कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड साल्ट। तो इसमें साल्ट ऑक्सीजन वगैरह डिजॉल्व होती है सफिशिएंट अमाउंट, और फ्री फ्रॉम केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, उसे पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हम देखते हैं। तो ये मैं एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, यहां से एक रिवर है, रिवर से पंप होस में ये पानी जाता है। रिवर से पंप होस में जाने के बाद एक सेडिमेंटेशन यूनिट है, सेडिमेंटेशन यूनिट में ये पंप किया जाता है। यहां पे जो इसमें सैंड पार्टिकल्स वगैरह हैं वो सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन होता है नीचे बैठ जाना किसी का, तो वहां पे पानी को काफी देर तक रखा जाता है ताकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं सैंड पार्टिकल्स वगैरह हैं वो नीचे बैठ जाए, और उसके बाद इसे पंप किया जाता है फिल्ट्रेशन यूनिट में। फिल्ट्रेशन यूनिट अगर हम देखें यहाँ पे, तो फिल्ट्रेशन यूनिट में चारकोल होता है, सैंड पेबल्स वगैरह डाले जाते हैं, और इसमें से इसको पास किया जाता है, और पास करने के बाद ये क्लोरीनेशन यूनिट जो होता है वहां पे जाता है, वहां पे पानी को क्लोरीनेट किया जाता है, और क्लोरीनेट करने के बाद ये पानी वाटर स्टोरेज टैंक जो होते हैं, जो हम सिटीज में देखते हैं कि या गांव में देखते हैं कि एक टैंक बना होता है, वो टैंक में जाता है पानी, और उसके बाद हमारे घरों में सप्लाई होता है। ये वाटर प्यूरिफिकेशन होता है। देन प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में हमें गार्बेज नहीं डालना है। इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सीवेज जो है उसको ट्रीट करना है, और उसके टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करना है। इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर या हर्बिसाइड्स जो हैं उनको यूज करना है। बाथिंग, वॉशिंग, क्लॉथ क्लीनिंग यूटेंसिल्स वगैरह नियर द वाटर बॉडी शुड बी बैन। तो जैसे हम नदी नाले पे कहीं पे भी जो है अपने कपड़े धोते हैं नहाते हैं, तो ये भी बैन होना चाहिए, इससे भी पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है या पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स जो है वो स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड होने चाहिए, तभी जाके हम पोल्यूशन से बच सकते हैं, पानी के पोल्यूशन से। तो हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम, हम पानी को घर में भी प्यूरिफाई कर सकते हैं, जैसे बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग से हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। बॉइलिंग इज अ बेस्ट मेथड, कि वो सारे केमिक जितने भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उसमें जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको खत्म कर देते हैं पानी, बॉइलिंग जो होती है। केमिकल ट्रीटमेंट होता है, उसमें क्लोरीनेशन करते हैं यानी क्लोरीन टैबलेट्स डालते हैं, तो
पानी जो है वो साफ हो जाता है। वाटर फिल्टर्स होते हैं, वाटर फिल्टर्स से भी पानी जो है साफ किया जाता है। जैसे आजकल घरों में हम आरओ लगाते हैं, यूवी लगाते हैं, तो ये फिल्टर्स से भी पानी जो है साफ होता है। अब एक पिक दिखाऊंगा मैं आपको जिसमें पॉइंट्स टू रिमेम्बर। तो हमें ये जितना भी हमने पढ़ा, तो अगर हम इसे इन शॉर्ट देखें तो द अनवांटेड सब्सटेंसेस इन एयर दैट कॉज हार्म टू द एनवायरमेंट आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट्स, उनको एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर, सैंडस्टॉर्म्स आर सम नेचुरल कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये नेचुरल कॉजेस हैं एयर पोल्यूशन के। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, माइनिंग ऑपरेशंस एंड यूज ऑफ एरोसोल्स आर ह्यूमन कॉजेस दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन। तो ये ह्यूमन कॉजेस हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स एंड क्लोरोफ्लोर कार्बन आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट्स। तो ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड स्मग आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल प्लांट, एग्रीकल्चर रन ऑफ आर द मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सॉरी। द वाटर प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वाटर। तो इसमें हमने देखा था एक प्लांट जिसमें सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन यूनिट, क्लोरिनेशन यूनिट था, और हम पानी को घर में भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे बॉइलिंग होता है, केमिकल ट्रीट होता है, उसमें क्लोरीन वगैरह डालते हैं, वाटर फिल्टर्स वगैरह होते हैं, तो उस पानी को हम पोर्टेबल बनाते हैं, यानी ड्रिंकेबल बनाते हैं। तो ये असेसमेंट है, असेसमेंट भी आप देख लीजिए। थैंक यू ऑल।